by beautiful. So they are not comfortable, you know, for, to come on my cover. They have different mindset though. I don't know. So Sandeep, I chose him because I read about Sandeep's article, The Modern Karna. I really appreciated, and what we saw today, it was splendid. And I know Sandeep since a year now, and he is such a humble, and he is a celeb though. He is really humble and a very kind-hearted. And yeah, I approached him, and he was like, okay. And I wanted to, you know, bring out this beautiful act of his in front of the people, and it was a medium. Beautiful was a medium for this. So yes, I'm glad for this, and all the very best, Sandeep, for you, for your future plays and dances and awards, whatever you do. God bless. वेल ब्यूटीफुल खबर पे आके मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड उसके लिए मैं दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. एक निशीत पुनावाला जी हु हेड्स द मैगजीन, एंड अदर इज कुलविंदर सर हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ माई न्यू प्ले डेथ कॉन्करर कर्ण. एंड इन दोनों के कारण ही मैं इस खबर पे आया हूँ. अगर ये नहीं होते दोनों तो शायद मैं इस खबर पे नहीं होता. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. इट जस्ट फील सो वंडरफुल. और ब्यूटीफुल इज़ अ वंडरफुल मैगजीन ऑन लाइफ स्टाइल एंड फैशन, एंड उसके ऊपर एक थिएटर को आना, एक थिएटर के न्यू प्ले को आना, आई थिंक इट्स अ वेरी a prestigious thing, a big privilege for all of us. Thank you, Nishin ma'am, for doing this. And Kulbinder sir, thank you for choosing me to be your Karan. And thank you for being a strict teacher, because ye hame bahut rehearsal karate hain aur hamara khoon nikalte bhi nahi, peete bhi hain saath saath mein. So that's how he has been. But thank you sir, thank you. It's just an honor to work with you. And a super talented man. Jo maine jo bhi dance kiya, jo bhi kuch humne kiya hai, has all been taught by him to me, and I just feel so nice. या बिकॉज संदीप ने समझा उस बात को, एंड जो संदीप ने किया आज, जो इन्होंने बताया कि हम सब में एक कर्ण होता है, सो मुझे भी उस चीज़ को सामने लाना था, और मेरे रीडर्स को, मेरे व्यूअर्स को, सबको ये बताना था कि हाउ फैंटास्टिक दिस एक्ट इज़. एंड किसी भी अच्छी चीज़ के साथ होना बहुत अच्छा फील करता है, और मुझे क्रिएटिव चीज़ों से बड़ा लगाव है. सो कुछ भी क्रिएटिव दिखता है तो मैं उसको प्रमोट करना बहुत पसंद करती हूँ. एंड या बाकी लोग, मतलब वही मैंने जैसे कहा कि ब्यूटीफुल प्रोनाउंस लोग करते हैं ब्यूटीफुल, तो काफ़ी मेन आर नॉट कंफर्टेबल, नहीं हो पाते हैं कवर पे आने के लिए, बट संदीप ने बी ब्यूटीफुल को समझा. सो थैंक यू संदीप. और जैसे कि मैंने बोला, मैं संदीप को अब करीब करीब साल भर से जान रही हूँ, सो इट इज़ यू नो लाइक अ प्लेजर. मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ब्यूटीफुल पे कवर पे संदीप का होना मेरे लिए बहुत ग्रेट है. थैंक यू संदीप. और करना संदीप सर को होना चाहिए ऐसा आपको कब लगा? यस, क्योंकि मॉडर्न करना जैसे एक्सप्लेन किया गया कि हम बहुत कम सुनते हैं, ये मुझे भी बहुत टाइम से मतलब बताना था कि हम बहुत कम सुनते हैं, और जब हम कम सुनते हैं हम कम सीखते हैं. हम उतना ही बोलते हैं जितना कि हमको पता होता है, पर अगर हम सुनेंगे तो हम नॉलेज गेन करेंगे. तो हमको सुनना ज़्यादा चाहिए, सुनकर रिएक्ट करना चाहिए, ना कि हम सुनते हैं बोलने के लिए. तो बोलने के लिए नहीं सुनना चाहिए, सुनने के लिए सुनना चाहिए. और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा कि मॉडर्न कर्ण का मेरे मैगजीन पे होना मेरे लिए बड़ी बात. सर, आपसे जानना चाहूँगा आज का जो एक्ट था उस बारे में कुछ बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी सर के साथ, और क्या कहेंगे? ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी फिक्स नहीं था. ये एक्सपेरिमेंट है बहुत ही अलग तरीके का. कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान देश के हर कोने से उठाकर, फिर संदीप सर को लेकर उनको ब्लेंड करके एक कहानी को कहने की कोशिश कर रहे हैं हम. और क्या होता है कि हमें इतनी आदत पड़ गई है एक जैसी चीज़ों को देखने की, कि हम खुद की चीज़ों को या तो जानते नहीं हैं या देखने के लिए अवेलेबल नहीं है. हमें कोई एक फॉर्म देखना है तो हमें उड़ीसा जाना पड़ेगा, हमें कुछ और देखना है तो नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा, हमें कुछ और देखना है, कलरी देखना है प्योर, तो साउथ में जाना पड़ेगा. तो हमने कोशिश की है सारी चीज़ों को
बटोर के इसको करने की इसकी तैयारी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। सर 6-6 घंटे 5-5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लाने के लिए। पूरी टीम ही मेहनत कर रही है। सर आपके कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताइए, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है सर, उस बारे में कुछ बताइए। वेल कॉस्ट्यूम इज ऑल डन बाय हिम एंड बाय मौर्या सर, दे आर द वंस हु हैव पुट द होल लुक टुगेदर। सो कुंडल पहने हुए हैं, तो ये स्प्रिंग वाले हैं, मैं निकाल सकता हूँ, बार बार कुंडल पहने हैं, वो कर्ण कवच पहना है सुनहरा। सो आई थिंक इट्स जस्ट द एंटायर लुक वाज ऑल प्लान टुगेदर और just keeping it more modern, at the same time keeping it a little more folk, keeping it a little more rustic, and just thanks to these people. Mera kuch nahi hai, maine keval pehne jo mujhe diya gaya hai, and I think that should be an actor's job. Jo sab log hote hain ek saath, usko team jod karke kuch bhi aage laate hain, and that's what I have done. It's just been a model for it, and I hope I've been a good model. Okay. Rishman, what is next after this? Next mera calendar aa raha hai जो हमने लास्ट ईयर किया था, इट वाज कैलेंडर 2018 जो इस साल का था। अब हम बना रहे हैं कैलेंडर 2019 जो कि हम सिंगापुर में शूट कर रहे हैं ड्रीम क्रूज़ पे। सो वो बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे, मे बी इन जनवरी एंड दिसंबर। और मैं संदीप से भी पूछ रही थी कि अगर वो चल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड इफ ही अग्रीज, अगर उनकी डेट्स मिल जाती है तो देन हम लोग yeah, वो भी साथ में करेंगे। लास्टली संदीप सर आपसे जानना चाहूँगा, मी टू मूवमेंट चल रहा है अभी, सारी लड़कियाँ बाहर आके बात कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे सर, इस बारे में आपका क्या थॉट है? वेल मेरे साथ मी टू नहीं हुआ है और मैं यही बोलना चाहूँगा दैट इट्स नॉट हैपेंड विद मी, बट अगर किसी का हुआ है ये बात एंड दे आर कमिंग आउट, आई एम ग्लैड दे आर, बिकॉज ऑलवेज इंपॉर्टेंट यू स्पीक अप व्हाट्स हैपेंड इन योर लाइफ। चाहे कभी भी हुआ हो जिंदगी में, हमेशा करेज मिलता है कभी ना कभी जिंदगी में बोलने का, बात करने का। गो अहेड एंड स्पीक अबाउट इट एंड आई होप यू गेट जस्टिस फॉर इट। सो बेसिकली माई एसोसिएशन विद संदीप हैज़ बीन फार लॉन्ग। जब मैं लॉन्च हुआ था जिस शो से, ही वॉज द फर्स्ट गेस्ट ओवर देयर एंड आई बीन वॉचिंग हिज प्लेस एवर सिंस, एंड इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक टू सी सच अ ग्रेट परफॉर्मर। आई मीन ही इज सच अ गुड ह्यूमन बींग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज एन अमेजिंग परफॉर्मर। एंड स्पीकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कवर, इट इज सो इम्प्रेसिव इफ यू लुक एट इट। आई मीन डोंट यू गाइस थिंक इट्स फैबुलस? सो आई मीन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड कवर में संदीप सर का फोटो होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इसलिए मतलब इस चीज़ के लिए वो बहुत ही करते हैं, रिजर्व करते हैं। वो एक फुल पैकेज मैंने जो किसी भी लेडीज़ को या किसी भी पर्सन को अच्छे लग सकते हैं, उनकी एक्ट तो है ही अच्छी, उनकी डांसिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव। बेसिकली कवर डिज़ाइन से पहले वी हैव थॉट संदीप सर, मी एंड कुलविंदर, कि वॉट काइंड ऑफ द अप्रोच शुड बी इन द कवर। सो वी गॉट सम आइडिया बिकॉज कर्न, संदीप सर एंड टूडेज सेनेरियोज, सो वी गॉट द लिटिल वाइब्रेंट। वी डोंट वॉन्ट टू पोर्ट्रेट दिस इमेज एज लाइक अ वेरी एंशियंट कर्न, एक्चुअली द कंटेम्पररी अप्रोच ऑफ द कर्न इज रिक्वायर्ड। सो फाइनली इट्स कम आउट वेरी नाइस, द एवरीबडीज हैव पुट इट रियली very genuine efforts to get this, so we got that actually. Sir, aapse jana chahunga, Me Too movement chal raha hai, us bare mein kuch batana chahenge aap? See about Me Too, if you give me a little bit time, agar aap mujhe time restrict nahi karenge to main bolunga, because it's not okay to just like give a pass a statement, but you know hashtag Me Too has been far awaited. I think it's good that finally something like this is happening in India. Everybody in this industry knows that this is the bitter reality. We all have gone through some kind of harassment or the other. Women have been going through this for a very long time, and I'm very happy that somebody like Tanushree Dutta has actually come forward and spearheaded this whole campaign. If you see how big this thing has become, movies are shutting down on this, you know, artists are being actually not, like, people are not preferring to work with the accused people because of this. So I'm very happy that this is happening, and more power to women and men if there are some who want to come out with their stories. And one more thing that I want to say is, you know, do not question the women when they come forward. Don't straight away say nahi iske piche koi motive hai, iske piche publicity chahiye. That's a step back that you're taking. This is not the time to do that. This is the time to actually believe the women. This is the time to move forward with this movement. And I mean, more power to them, and let's hope that such people, the predators, the people who are accused,
people who are proven to be guilty, let's hope that they actually get banned from the business and we move towards a better society and a better industry. Also, do you think ke girls ke alawa matlab jo men hai unko bhi harass kiya jata hai, unko bhi aage aake bolna chahiye, kyunki ab tak sirf girls aayi hai aage lekin men koi bhi bol nahi raha. To what do you want to say? See, it is in this industry, I mean, if you specifically about speaking about the fashion business, there are a lot of men who are also harassed and there are a lot of men who go through similar experiences, and I hope they come forward. If I had a story about my own, I would have actually gone through, like I would have actually come forward and said, but I haven't actually been through sexual harassment. I've been through emotional torture from producers, I've been through emotional harassment from the people. When you start in this business, it's obviously difficult, you know, to ascertain that position. So people try to take advantage of you, and it happens with everybody. And it is not limited to women, it happens to men also. And I hope that all these, if there are any of these models or actors, I hope they come up with their stories, and I hope that they also join this movement. Okay, thank you so much. Thank you. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।